Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to my another vlog again. So क्या हाल है कराची वालों, कैसे हैं आप लोग? गुजर गई है आप लोगों की ईद, आज खैर से ईद का पांचवा दिन हो चुका है और कितनी ईद जमा हुई भाई. मैंने कमेंट्स पढ़े थे काफ़ी सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया और सबसे ज़्यादा सोच चुकी ईदी जमा हुई है गाइस, आपको पता है 5,000 ईदी जमा नहीं हुई चुकी, 50,000 ईदी जमा हुई है. 50,000 मतलब ईद तो बेसिकली होती है बच्चों की है. हाँ बच्चों की ही होती है, हम बड़ों का क्या है, हम बड़ों को तो ईदी देनी पड़ती है. पर हर ईद ख़त्म, रमज़ान ख़त्म, नॉर्मल डे शुरू हो गए ज़िंदगी. हेलो गाइस, क्या आप घर बैठे बोर हो गए हो? तो भाई आओ और अपने पार्टनर के साथ 1xBet पर गेम्स खेलो और 1xBet ऐप पर अपने आप को जल्दी से लॉग इन करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें से आप कोई भी खेल सकते हो. मैं खुद भी सारा दिन यहाँ पर गेम्स ही खेलती रहती हूँ. तो यहाँ पर गेम्स ओपन करके प्लेस अ बेट पर क्लिक करें और बेट लगाएं और अपने पार्टनर के साथ खेलें और विन करें. और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, मेरा प्रोमो कोड है वंशताज. जितने पैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट करोगे उतने ही आपको बोनस भी मिलेगा. तो जाएं खुद को 1xBet पर रजिस्टर करें और अपनी बोरियत को दूर करें. यहाँ पर हमारे चचू साहब जो है वो कार्टून देख रहे हैं और इनका रोज का सुबह है, सुबह सुबह उठ के जो है ना ये 7-8 बजे उठ के जो है ना कार्टून लगा लेते हैं अपना, ये गंदे संदे से कार्टून लगा लेते हैं. क्या क्या शौक है आपको ये कार्टून देखने का? मैं कच्चे कार्टून रोहा कहती है कुछ और लगाओ, मुझे दो रमन और अपना कुछ लगा देती है. अच्छा वो भी नेटफ्लिक्स में. तो गाइस मैं अभी उठी हूँ, 4 बजे बल्कि 5 बज चुके हैं और कराची का वेदर हाय 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 क्या उधम वेदर हो रहा है. इतनी मस्त करके तेज़ बारिश हुई है जिससे कोई हद नहीं, बाहर पानी तक खड़ा हो चुका है. बट खैर रोटियाँ मंगवानी थी, रोटियाँ मंगवाई, बेचारा फूड पांडा जो है वो पानी में जलता हुआ है. क्या जिंदगी इनकी. एक मिनट में खेलूँ मम्मा, रोटी आ गई है. मम्मा ने बनाई है जी दाल और हम आपको दाल का भी दाल करवा देंगे. मम्मा ने बनाई है जी ये हमारी दाल, ठीक है ना. और ये मम्मा वैसे तो कहते हैं कि चावलों के साथ खाते हैं बट चावल कहीं पे अवेलेबल नहीं थे, घर में भी चावल नहीं थे और ये हमारे घर में कुछ लोग सोए पड़े हैं अभी तक और सांस सुन सकते हैं, मजान असर की हो रही है. ये मैडम जाग रही हैं. खैर चलो अभी हम खाना वाना खाएंगे और आपकी बहन करेगी पैकिंग. आपकी बहन ने करनी है पैकिंग, आपकी बहन की कल की फ़्लाइट है माशाल्लाह से 6:30 बजे की इस्लामाबाद की. आपकी बहन जाएगी इस्लामाबाद शादी. पिंकी की शादी का तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो पिंकी की शादी के लिए हम जा रहे हैं और किसको किसको में हम सब गए हैं. आधे लोग जो है वो पिंकी के साथ गए हैं, ये मैंने तो उसके साथ ही गए हैं और वाजिब शायद वो लोग अपनी गाड़ी में गए हैं बाय रोड. और आपकी बहन ने कहा ना बाबा ना, बाय रोड गए एक दफ़ा सफ़र मैंने कर लिया था, बड़ी अजियत हुई थी, ना सोने को मिला, ना सही खाने को मिला, ना घूमने फिरने को मिला. मैंने कहा ना, 2 घंटे के अंदर पहुँचेंगे आपकी बहन आराम से जहाज सुकून से, कोई थकन वाली फिटवास नहीं है कि बस जाग देना पड़ के सो जाना है. और मुझे ना लिटरली मुझे बाय रोड सफ़र करने के बाद ये पता चला कि मतलब कितना भी हो आप कितने भी थके हुए हो आप पहुँच के आराम नहीं कर सकते, आपसे बिल्कुल आराम नहीं किया जाता. तो जैसे जो है ना, क्या नाम है, मैंने कहा नहीं मैं तो डायरेक्टली बाय रोड बाय एयर ही आऊँगी. तो मैंने अपनी कल की फ़्लाइट किया और मुश्किल से मुझे 6:30 बजे की फ़्लाइट मिली और कल है पहला इवेंट जो कि है उत्तर. अब होप्स हो कि मैं उसमें पहुँच पाऊँगी या नहीं, लेट्स सी देखेंगे क्या होता है. सो हेयर इज अवर खाना, अचार, दाल, प्याज दिन में खानी चाहिए, प्याज बहुत अच्छी होती है दिन में, बेस्ट है हर चीज़ के लिए. और ये मैंने अपने लिए एक तंदूरी पराठा मंगवाया है. गाइस उजबा आपकी ईदी कितनी जमा हुई है? नींद में नशई नहीं हुई? झूठी मकार, तुम्हारी ईदी जमा नहीं हुई? गाइस ये झूठ बोलिए, इसकी कम से कम भी 30-35 हज़ार ईदी जमा हुई है अच्छी खासी तरीके से, है ना, है ना, हुई है ना.
आहत से कम ईदी जमा हुई है। आपकी कितनी ईदी जमा हुई है बेगम साहिबा? 20,000 किसने दिए? तुमने, वादिद ने। और आपकी कितनी ईदी जमा हुई है? 19,000 आपकी कितनी ईदी जमा हुई है? मेरी बहुत कम 45,000 ये बहुत कम है। आपने हाथ से भी ज्यादा डंडी मारी। अच्छा नहीं माशाल्लाह, आपकी तो 50 है पूरी। तो आपकी 65 हुई है। नहीं नहीं, इसकी ज्यादा है, ये मम्मा के अकाउंट में पड़े हुए हैं ना। देखा देखा, बच्चे ने पोल खोल दिया। आपकी कितनी है? मेरी 50,000। हाँ आप सही बोला, पहले कहता 5,000। तो भाई हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मैं करूंगी पैकिंग, और आप लोग देखना मैं पैकिंग कैसे करूं। सो भाई, मुझे जो चीजें लेके जानी है, मैं वो ऐसे करके सारी निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं आई हूँ वैनिटी पे, मैं यहाँ से अपना मेकअप निकालूंगी। मेकअप में मैं ज्यादा निकालूंगी, लिपस्टिक से 2-4 शेड निकालूंगी, आई पैलेट निकालूंगी एक जो मैं यूज करती हूँ, उसके अलावा मैं निकालूंगी परफ्यूम्स। हाँ मेरे परफ्यूम, ये सब मैं छुपा के जाऊंगी गाइस, ये सारे परफ्यूम मैं छुपा के जाऊंगी, क्योंकि जो हमारी उशबा बीबी है ना, वो मेरे सारे परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद कहती है मैंने तो नहीं किया, और मेरे सारे परफ्यूम यूज हुए। अब मैं सीरम्स लेके जाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें जो हैं वाइट हेड्स वगैरह के लिए लेके जाऊंगी, ठीक है। अपना ये लाजमी लेकर जाऊंगी, ब्रशेज लेने हैं मुझे अपने लिए साथ में, और क्या लेना है, लोशन वगैरह है और कॉम वगैरह है, ठीक है। हाँ और लेंसेज। तो अभी जो है ना, क्या नाम है, मैं निकालने लगी हूँ, निकाल के फिर उसका पाउच बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे बाहर वार्डरोब की तरफ, वहाँ से अपने कपड़े शपड़े निकालूंगी, जो उनके जाने हैं कपड़े लेके उनको बैग में डाल दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी फ्लिप सिखा देती हूँ कि इस तरीके से मैं पैक। सोचा कुछ काम करने से पहले जो है वो अपना ये भी पूरा कर लिया जाए। ये भी मैं साथ लेके जाऊँगा गाइस अपने, क्योंकि ये भी मुझे ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना गुजारा नहीं है, मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ चीज़ें निकाली, निकालने के बाद जो है क्या नाम है, अब मैं ये पी रहा हूँ, और ये पी के फिर जो है ना क्या नाम है, मैं अपना बकाया काम करूँगा, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी करनी रहती हैं और अभी करनी है, अभी मैं सोच रही हूँ कैसे करूँगी, समझ नहीं आता। एक तो पैकिंग करते हुए मुझे इतनी कोफ्त आती है, इतनी कोफ्त आती है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हर चीज़ अपनी जगह से लाओ, वापस से निकालो, फिर वो पैक करो, फिर साइड में रखो, फिर बैग में बंद करो, और फिर जब पैकिंग मतलब ले जाओ और फिर वापस आओ, और वापस आने के बाद जब उनको रखना होता है ना उनकी ही जगहों पे, तो बहुत मुसीबत होती है मुझे, सच्ची बहुत मुसीबत होती है। कपड़े भी मैंने कल धो लिए थे अपने आधे ज़्यादा, अब उनमें जो सूख गए हैं, जो मुझे ले जाने वाले हैं, वो भी मैं पैक कर लूँगी अपने साथ। पहले ये बैग उतरवाने पड़ेंगे, ये बैग्स पता नहीं कौन उतार के देगा, मैं पता है कौन सा वाला बैग लेके जाऊँगी। एक ये बैग लेके जाऊँगी, छोटा है बल्कि ये बहुत बड़ा है, ये वाला बैग लेके जाऊँगी, और एक छोटा उसके अंदर बैग पड़ा है वो वाला लेके जाऊँगी, ताकि पूरा हो जाए। ये मेरा कार का पार्ट है, इसके अंदर से मैं कुछ चीज़ें निकालूंगी जो कि मुझे निकालनी है, और ये जो है क्या नाम है, पेन शर्टों का गेम है। बाकी शूज़ वूज भी देखे जाएंगे, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। बोलो तो खैर, पैकिंग जो है वो ऑन दी वे है, तो खैर अभी उतरवाती हूँ, बस कह पैक करती हूँ, और पैक करने के बाद जो है चढ़ा बाय बाय लाते।